वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवर में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बता देता हूं जिसका यूज़ करके हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला है इंटरेस्ट और सेकेंड फार्मूला है अमाउंट। देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। जो हमें जैसे कि हम बैंक में पैसे रखते हैं उस पर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट। और सेकेंड है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब हम प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे तब इन कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है। ओके, तो अभी क्या कर लो, आप बस इस फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो जिससे हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में हेल्प होगा। यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन दिस स्कूल फंड एट 9% पर एनम। देखो, PCPA का फुल फॉर्म होता है परसेंट पर एनम फॉर 2 ईयर्स, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। फर्स्ट क्वेश्चन को समझ जाओ। देखो, रिहाना ने 1500 रुपीज उस स्कूल के फंड में डिपॉजिट किए, कितने परसेंट के रेट से, 9% पर एनम। मतलब जो उसने 1500 रुपीज रखे हैं उस पर उसे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल के लिए उसने डिपॉजिट किया, 2 ईयर्स के लिए। तो उसको टोटल अमाउंट 2 साल के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, हमें इसमें ये निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो फर्स्ट देखो, हम गिवन लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया था, गिवन इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट है ना उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल रुपीज 1500। देन सेकेंड में क्या दिया है, हमें रेट दिया है, रेट कितना है, 9%। और थर्ड क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम देखो, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स। ओके, ये हमने गिवन लिख लिया। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। तो फर्स्ट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, जब भी हमें अमाउंट निकालना होगा ना तो उससे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल है बट यहाँ पे इंटरेस्ट कहीं दिया क्या, नहीं दिया है। तो जब भी हमें अमाउंट निकालना है उससे पहले हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, जो यहाँ पे ये दिए हैं इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो, प्रिंसिपल कितना है, 1500, रेट कितना है, 9%, और टाइम 2 ईयर्स। डिवाइड कितने किससे करना है, हमें 100 से। देखो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अभी क्या बचा है, 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 270। ओके, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो हमें आंसर मिलेगा 270। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 270। ये क्या आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट मिल गया, अभी हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अभी देखो, हमें प्रिंसिपल तो पहले ही दिया हुआ गिवन, इंटरेस्ट क्या किया हमने, फाइंड कर लिया। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट। तो देखो, प्रिंसिपल कितना है, 1500, इंटरेस्ट कितना है, 270। अब इनको ऐड करते हैं तो अमाउंट हमें मिल जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 1770। ये हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट। इट मींस क्या हो गया, रिहाना को 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, टोटल 1770 रुपीज टोटल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टोटल अमाउंट शी विल गेट रुपीज 1770। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, जेठालाल टू का हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA परसेंट पर एनम फॉर 5 ईयर्स, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक। फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेठालाल ने बैंक से 2,50,000 रुपीज़ का लोन लिया,
कौन से कितने रेट पे, 10% के रेट से लोन लिया। ओके, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। देखो जेठालाल ने बैंक से 10% के रेट से 5 ईयर्स के लिए लोन लिया। कितने का लोन लिया, 2,50,000 रुपीज का लोन लिया। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, देखो व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे दे। तो जेठालाल बैंक को ईयरली कितना इंटरेस्ट पे करेगा, कितने पे, 2,50,000 रुपीज पे ईयरली कितना इंटरेस्ट बैंक को पे करेगा, फर्स्ट ये। और सेकेंड क्या है, द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक, वो टोटल कितना अमाउंट बैंक को रिटर्न करेगा, कितना, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद टोटल कितना अमाउंट बैंक को रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो हमें गिवन क्या है, हम वो लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, 2,50,000, और रेट क्या है, 10%। यहाँ पे देखो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर लेंगे, टाइम हम क्या लेंगे, 1 ईयर लेंगे। हमें क्या निकालना है, जेठालाल ईयरली कितना इंटरेस्ट पे करता है बैंक को, तो हम क्या लेंगे, टाइम इज इक्वल टू 1। तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो पी कितना है, 2,50,000, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि हमें 1 ईयर का निकालना है इंटरेस्ट। डिवाइड करेंगे 100 से, देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है, 25,000, यहाँ पे क्या बचा है, 25,000, और मल्टीप्लाई में बचा है 1। 25,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ₹25,000। तो जेठालाल को ईयरली कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, 25,000 रुपीज ईयरली उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अभी देखो उसे 5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, हम कैसे निकालेंगे, जो ईयरली इनकम, ईयरली इंटरेस्ट है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। अभी देखो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, ये कितने ईयर का इंटरेस्ट है, 1 ईयर का। तो 25,000 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कितने ईयर का मिल जाएगा इंटरेस्ट, 5 ईयर्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखो 25,000 मल्टीप्लाई 5, तो 25 5 जा 125, और यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो पीछे दे देते हैं। तो ये कितने ईयर्स का मिल गया हमें, 5 ईयर्स का मिल गया, कितना है, 1,25,000 रुपीज़। तो रुपीज़ 1,25,000 रुपीज़ जेठालाल को बैंक से लोन लिया था, उस पर उसे 1,25,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना होगा। ये हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है अमाउंट, तो हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, 2,50,000। ओके, और इंटरेस्ट कितना हमने फाइंड किया, 5 ईयर्स के लिए, 1,25,000। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3,75,000 रुपीज़। तो जेठालाल को 5 ईयर्स के बाद बैंक को 3,75,000 रुपीज़ टोटल बैंक को पे करना होगा। यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, ईयरली इंटरेस्ट और अमाउंट। तो हमारा ईयरली इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयरली इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹25,000, और टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा उसे, ₹3,75,000। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन सेकंड का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन थर्ड है, श्रीकांत डिपॉजिट 85,000 रुपीज फॉर 2.5 ईयर एट 7% पर एनम इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखो श्रीकांत ने सेविंग बैंक में 85,000 रुपीज डिपॉजिट किए, कितने साल के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए, कितने रेट पे, 7% पर एनम के रेट पे। तो उसे व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो एंड ऑफ द पीरियड में मतलब साल के एंड में, उसके जो उसका ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन का एंड होने के बाद उसे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, हमें इसमें फाइंड करना है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, उसे टोटल 85,000 रुपीज़ पे 2.5 साल मतलब 2.5 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मैं आंसर में लिखेंगे फर्स्ट गिवन, हमें गिवन क्या दिया है, प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू कितना है, ₹85,000। ओके, और रेट है 7%, 7% पर एनम। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 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 एंड हाफ ईयर, टू एंड हाफ ईयर दिया है। तो यहाँ पे देखो टाइम हमें क्या दिया है, टाइम इज इक्वल टू टू एंड हाफ ईयर दिया है। ओके, अब ये किस में है दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको हमें क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। हमने इसको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में स्टडी कर लिया है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो डिवाइड में टू है, इस टू से इस टू को मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पर न्यूमरेटर में इससे ऐड करना है। कैसे करेंगे देखो अभी, तो टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू प्लस ये जो डिनोमिनेटर में वन है, न्यूमरेटर में वन है, इसको प्लस करना है, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में टू एज इट इज लिख देना है। तो अभी देखो कितना मिलेगा, टू टू ज़ा फोर, ओके, प्लस वन कितना हो गया, फाइव, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, टू, तो हमारा आंसर क्या आ गया, फाइव अपॉन टू, ये हमारा टाइम आ गया। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके आंसर फाइंड करना है। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, डिवाइड में हम करेंगे 100। अभी देखो पी कितना है, 85,000, आर कितना है 7, और टाइम कितना है 5/2, डिवाइड किससे करेंगे हम, 100 से। अभी देखो 10 10 10 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है 850, मतलब 850 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5/2। अभी यहाँ पे देखो ये 5/2, टू क्या है, डिवाइड में है। ओके, तो हम इस टू से क्या करेंगे, इस 850 को डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 5 - 4 करेंगे 1 बचेगा, 1 + ये 0, कितना हो गया 10, 2 5 10, तो आंसर कितना आ गया 425, 425 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है, 7 5 30, तो 425 मल्टीप्लाई 35, 425 मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 14,875। यहाँ पे देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाता हूँ, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया 14,875। ये हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹14,875। हमें बस इस क्वेश्चन में इतना ही फाइंड करना था, इंटरेस्ट फाइंड करना था, जो हमने कर लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फोर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फोर, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट आफ्टर फोर ईयर्स ऑन 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज़, वाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस सेम पीरियड। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, ये टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया और इंटरेस्ट दिया, बट यहाँ पे क्या नहीं दिया है, रेट नहीं दिया। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। तो 5,000 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1,200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, कौन से रेट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें प्रिंसिपल दिया है, इसमें हमें टाइम यही लेना है 4 ईयर्स, ओके, टाइम यही 4 ईयर्स लेना है, और हम जो इंटरेस्ट इसमें जो रेट फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, जो हम रेट फाइंड करेंगे उसी रेट से 15,000 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, हम वो लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल है 5,000, और टाइम है 4 ईयर, रेट क्या है हमें मालूम नहीं, रेट हमें क्या करना है, फाइंड करना, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,200। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट रेट निकालना है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, डिवाइड करेंगे 100 से। अभी यहाँ पे देखो वैल्यू को हम पुट करते, तो इंटरेस्ट कितना है 1,200, और इज इक्वल टू पी है 5,000, आर हमें पता नहीं, और टाइम कितना है 4 ईयर, डिवाइड करेंगे हम 100 से। तो यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा है 1,250 और 4 बचा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,200 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे देखो 50 और ये 4 क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ओके, इज इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें कैसे, यहाँ पे देखो इक्वेशन कैसे मिलेगा, आर इज इक्वल टू 1,200 डिवाइड में आ जाएंगे 50 और 4। ओके, ये आपको क्लियर है। अभी देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 4 20,
आर इज इक्वल टू 120 और यहाँ पे आएगा 20। 20 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 21 से 20, 26 से 120, तो आर देखो हमें कितना मिल गया, आर कितना मिल गया 6। तो रेट हमें फाइंड कर लिया, रेट कितना है 6%। ये हमने क्या कर लिया, रेट को फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखो पी इज इक्वल टू कितना है 15,000 और टाइम कितना है, टाइम तो हमें सेम ही लेना था, क्वेश्चन में बोला है 4 ईयर। और रेट क्या किया, अभी हमने फाइंड किया रेट, कितना फाइंड किया हमने 6% रेट फाइंड किया, तो यहाँ पे हमें 6 लिखेंगे। अभी इंटरेस्ट को फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू को पुट करके इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो देखो आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 15,000, टाइम है 4 ईयर और रेट है 6%, यहाँ पे 100 से तो 0,0 कैंसिल, 0,0 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा है, आई इज इक्वल टू 150। देखो 4 6 का कितना होता है 24। अभी 150 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा आई इज इक्वल टू 3,600। तो इंटरेस्ट देखो हमें कितना फाइन, इंटरेस्ट कितना मिल गया 3,600 रुपीज। तो यहाँ पे हम देखो हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड कर लिया और यहाँ पर रेट फाइंड कर लिया। तो लास्ट में लिखेंगे द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 इज रुपीज 3,600। तो 15,000 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3,600 आफ्टर 4 ईयर्स। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 देखो, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10% per annum फॉर 2 ईयर्स, वॉट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लो, पंकज देखो अगर पंकज 1,50,000 रुपीज डिपॉजिट करता है बैंक में 2 ईयर्स के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कौन से रेट पे, एट अ 10% per annum करता है, तो उसे आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, उसे टोटल अमाउंट बैंक से कितना मिलेगा। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यह प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 और रेट है 10% PCPA, टाइम 2 ईयर्स। देखो हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। जब तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तब तक क्या कर सकते हैं, हम अमाउंट फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट को हम फाइंड करेंगे। अभी देखो आई इज इक्वल टू पी का, पी कितना है प्रिंसिपल 1,50,000, आर कितना है 10 और टाइम है 2 ईयर्स, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। देखो 0,0 कैंसिल, 0,0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है 1,510 और 2 इज इक्वल टू 1,500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2। अभी क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 30,000। तो आई इज इक्वल टू रुपीज 30,000। देखो हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर टोटल कितना मिलेगा, रुपीज 30,000। ये क्या आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। ओके अभी हमें इंटरेस्ट मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1,50,000 और प्लस इंटरेस्ट हमने क्या किया है, फाइंड किया है। इंटरेस्ट कितना हमने फाइंड किया, 30,000। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,80,000। ओके तो टोटल अमाउंट उसे 2 साल के बाद कितना मिलेगा, रुपीज 1,80,000। तो हम यहां पर लिखेंगे ही विल गेट रुपीज 1,80,000 फ्रॉम द बैंक। ओके हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।